हेलो दोस्तों, आप चाहे बिगनर स्टेज पर हैं चाहे एडवांस लेवल की स्टेज पे हैं, बट आपको कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आती होगी कि आप किसी भी सॉन्ग में काम कर रहे हैं और आपसे वो बन नहीं रहा है। और भले ही चाहे आप इतने ज़्यादा बिगनर हैं कि आपको म्यूज़िक का ABC भी नहीं पता है, पर दिल में फिर भी इच्छा है भाई कि यार एक सॉन्ग तो बनाना चाहिए। यार दिल में ऐसा लगता है कि काश मैं भी एक सॉन्ग बना पाता है, बना पाती, कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सबके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिसके लिए आपको म्यूज़िक की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना नॉलेज के भी पूरा म्यूज़िक, और वो भी प्रोफेशनल म्यूज़िक बना पाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी म्यूज़िक थ्योरी वगैरह जानने की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस पता होनी चाहिए थोड़ी सी मिक्सिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है भाई, पूरा चैनल भरा हुआ है मिक्सिंग से। ठीक है, वोकल प्रोसेसिंग जो कि मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है, ट्यूटोरियल देखो जाके। तो हमको बस क्या करना है, बस अपना म्यूज़िक अरेंज करना है और बस अपने वोकल गा के बस थोड़ा सा मिक्स कर देना है और काम हो गया। बहुत ईजी है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अगर आप चाहते हैं कि आपका म्यूज़िक प्रोफेशनल हो, तो उससे पहले एक बात दिमाग में डाल लो कि उसके लिए हमको यूज़ करने पड़ेंगे प्रोफेशनल सैंपल पैक्स। और वो कहाँ से डाउनलोड होंगे वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट स्टिल अभी हम बना के देखेंगे खुद का एक ट्रैक आपके सामने, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कहाँ से डाउनलोड करने हैं। हम सैम्पल पैक्स की मदद से मस्त म्यूज़िक बनाएंगे। तो अभी हम लूप्स में जाएंगे और देखते हैं, हम सीमेटिक्स यूज़ करेंगे मस्त। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई भी पहले एक सूटेबल सी मेलोडी किसी भी सॉन्ग के लिए कि आपकी सूट करनी चाहिए सॉन्ग में। ठीक है, तो अभी हम मैं गिटार मेलोडी पसंद करूँगा। बहुत प्रोफेशनल प्रोफेशनल मेलोडीज देते हैं भाई ये लोग, पर इस वाले मुझे वो नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए असल में, तो हम दूसरे वाले में ढूंढते हैं। सैंपल फैक्स, यहाँ जाते गिटार लूप्स में। प्रोफेशनल एकदम। ओह सुकून, लो स्मूथ, ये भी अच्छी है। अभी इसको फिलहाल के लिए हम होल्ड पे रखते हैं, दूसरी भी सुन लेते हैं। मेलोडीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी हैं, पर अभी हमको अपने सॉन्ग के लिए एक सूटेबल मेलोडीज ही चूज़ करनी है। आज मैं गाने वाला हूँ मन मेरा, ठीक है, सॉन्ग का नाम है और गाया है गजेंद्र वर्मा ने। तो आई नो उसके लेवल का तो नहीं गा पाऊंगा, बट स्टिल ट्राई करेंगे बेस्ट जैसा हो पाएगा। ओके, तो ये मुझे थोड़ी सी सूटेबल सी लग रही है। तो अभी इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट उठा के चाहिए मेलोडी रख सकता हूँ, ये पूरी की पूरी मेलोडी पे मैं गा सकता हूँ। सारी रात आए भरता, तो ये मैं कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं ये नहीं करूँगा। मैं थोड़ा सा और थोड़ा इन डेप्थ में जाऊँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं, आप बहुत ज़्यादा मिक्सिंग वाली चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप डायरेक्टली ये मेलोडी उठाओ, इस पे वोकल गाओ, वोकल को प्रोसेस करो और बस आपका काम हो गया। बट मैं क्या करूँगा, इस मेलोडी की भी स्टेम्स यूज़ करूँगा कि इसमें जो जो इन्होंने एलिमेंट डाले हैं उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करूँगा और तब जाके अपने लेख सॉन्ग बनाऊंगा। तो इसको यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर, ये इन्होंने इसकी स्टेम्स दी हैं। तो यहाँ पर हम क्या जाएंगे, यहाँ जाएंगे गिटार लूप्स, और यहाँ पर देखो रोज़ कलर्ड ग्लासेस, यही है वो मेलोडी। और जितने भी ये सारे हमको दिख रहे हैं ये सारे इसकी स्टेम्स हैं, तो सबको एक एक करके हम तो ये हो गई हमारी फाइनल मेलोडी और ये इसकी स्टेम्स हो गई। तो हम इसको अपने हिसाब से अरेंज करेंगे अब। वो जो हमने पहले सुनी थी वो ऑलरेडी मिक्स्ड थी, वो आपस में मिक्स की हुई थी उन्होंने, बट ये क्या है, ये हमको खुद से मिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ रॉ स्टेम्स हैं, इसमें कुछ भी अलग से उन्होंने मिक्स नहीं करके दिया, तो ये हमको खुद से मिक्स करनी पड़ेंगी। और अभी इसके लिए हमको एक बीट भी चाहिए होगी। ओके, तो बीट भी ढूंढ लेते हैं कहीं, यहीं से सैंपल पैक्स में जाते हैं, ड्रम लूप। काफ़ी अच्छे ड्रम लूप्स हैं, हमको इतने ज़्यादा वो नहीं चाहिए, स्लो नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा अपने टेम्पो के आसपास चाहिए। जैसे कि टेम्पो इसका 130 है, तो हम इसको 130 कर लेते हैं। ओके, 130 कर लिया।
और यहाँ पर हम भी यहाँ कोई 130 के आसपास का है कि वन थर्टी तो नहीं है पर 140 चलेगा। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, बस सिंपली क्लिक करना है, टाइम वॉर्प सैंपल पे क्लिक कर देना है और बस अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक क्लिक करना है हमको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है सिंक का, हो गया काम खत्म। ड्रैग एंड ड्रॉप ने हमारे बीट को हमारे टेम्पो के हिसाब से स्ट्रेच डाउन कर दिया। अभी देखते हैं। तो ये मेथड भी काफ़ी इजी है एफएल स्टूडियो में, कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कि आपको कुछ अलग से रॉकेट साइंस यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमारे पास बीट भी आ गई है, अभी ये सबको साथ में सुन के देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली नहीं गा सकते हैं इस पे, हमको थोड़ा सा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि इसमें से एक इंट्रो निकालना पड़ेगा मुझे। तो इंट्रो निकालने से पहले इसको मैं काट देता हूँ बीट को, इसको थोड़ा सा आगे सरका लेते हैं हम भाई, बस इतना। ठीक है, और ये जो बीट है हमारी, इसको हमने थोड़ा सा कॉपी कर लिया, इसको हमने कर लिया कट के, हमको इतना पार्ट हमको इसका इंट्रो का चाहिए। ओके, इसमें से भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल देंगे, जैसे कि ये हमारी गिटार लीड हो गई, बीट हमने कॉपी किया, बीट थोड़ा सा बाद में फाइनल अरेंजमेंट हम करेंगे जब हम अपने वोकल्स कंप्लीट कर लेंगे, उनके हिसाब से हम देख लेंगे कि क्या बेहतर रहता है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है म्यूज़िक। ओके, तो म्यूज़िक काफ़ी सही लग रहा है, गाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अरेंजमेंट हम बाद में करेंगे इसकी फाइनल वाली, अभी की अरेंजमेंट देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अभी हमको करने हैं वोकल्स। तो अभी बात है स्केल की, कि स्केल का क्या करें भाई, स्केल का तो फंडा हो जाएगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कि स्केल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखो लिखा हुआ, ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ कि इतना बीपीएम है और बी माइनर स्केल पे। तो सिंपली हमको गाने से पहले क्या करना है, हमको ऑटो ट्यून लगा लेना है। यहाँ पर लगा लिया, थोड़ा फुल कर लेते हैं, बाद में इसको अरेंजमेंट में देख लेंगे बाद में। तो आप गाते वक्त ऐसे कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर एक ट्रैक लूँगा, अभी बस हमको सिंपली वोकल गाने हैं। तो अभी हम जल्दी से इसके सारे वोकल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो उसके बाद अभी मिलते हैं वोकल्स रिकॉर्ड करने के बाद। तो दोस्तों, हमने अपने सारे वोकल्स रिकॉर्ड कर लिए हैं और हमने सारी अरेंजमेंट भी कंप्लीट कर ली है, जो भी चीज़ें सूटेबल लग रही थी वो हमने रखी हैं, जो नहीं लग रही थी वो हमने नहीं रखी हैं। थोड़ा आगे पीछे थोड़े बहुत लूप्स को हमने छेड़ के देखा है, उसके हिसाब से ये फाइनल ट्रैक हमने बनाया है। अभी हम सुन के देखते हैं फाइनल ट्रैक कैसा निकल के आता है। तो दोस्तों, ये था हमारा फाइनल ट्रैक। अभी भी कुछ मिक्सिंग बाकी, थोड़ा बहुत काम बाकी है, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप खुद के सॉन्ग्स कैसे बना सकते हैं बिना किसी म्यूजिक के। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाला है इसमें, कुछ भी नहीं डाला है, कोई इसमें मैंने मिडी यूज़ नहीं की है, कोई अलग से कोई मैंने बेस में इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया, सिर्फ वही चीज़ें यूज़ की हैं जो मेरे सैम्पल पैक में आई थी और सब कुछ से उसी से मैंने अरेंज करके अपना एक सॉन्ग बना लिया। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं यार, इवन मैं आपको नाम याद दिलाऊं तो किंग का नाम सुना होगा आपने, किंग रोको का। तो अभी उसका गाना आया था कुछ टाइम पहले शाम में, वो भी मैंने डिकन्स्ट्रक्ट किया था, तो वो भी उसने सिमेटिक के लूप से ही बनाया था। बट ये बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा कि अगर आप
एक अच्छा सॉन्ग बना रहे हैं, अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और आप अच्छे सॉन्ग बना रहे हैं, तो डजेंट मैटर यार आप कहाँ से म्यूजिक लाते हैं, आपका बस क्वालिटी होनी चाहिए काम में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से आप अपने सॉन्ग बना सकते हैं जब तक आप बिगनर हैं, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप एडवांस लेवल पे भी अगर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो स्टिल आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, दोनों के काम की चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि लूप्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं भाई, ये सैम्पल पैक्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं हमको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वेबसाइट पे जाओ, सैम्पल पैक फ्री है, कुछ नहीं खरीदना है, बिल्कुल फ्री है। वेबसाइट पे जाओ, सिमेटिक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लो यार, मस्त अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पर पेड भी हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल के लूप्स भी मिलते हैं आपको, और बहुत सारे आपको फ्री भी मिल जाते हैं। तो आप अपने आप जाके चेकआउट कीजिए कि आपको जो भी पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंडस्ट्री हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।